Assalamu alaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you are doing good. Today we will know about the concept of onomatopoeia. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and don't forget to press the bell icon. Onomatopoeia ka matlab hai aise alfaz ka istemal karna jo ki hamari sense of hearing yani hamari sunne ki his ko appeal kare, yani jisme kisi cheez ki sound ya awaz ka zikr kiya jaye. Ab hum iski definition padhte hain. Onomatopoeia is the use of words. Onomatopoeia ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है that seem to imitate the sounds जो किसी चीज़ की आवाज़ को अपील करते हों. They refer to or any combination of words in which the sound gives the impression of echoing the sense in poetry or prose. यानी शायरी या नसर के अंदर किसी लफ्ज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उससे किसी चीज़ की आवाज़ साबित करना मकसूद हो तो उसे onomatopoeia कहते हैं. यानी onomatopoeia से मुराद अल्फाज का इस्तेमाल किसी शायरी या नसर में करना है जिसका मकसद किसी चीज़ की आवाज़ पैदा करना हो. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले है बीज आर बजिंग, मक्खियाँ बिन बना रही हैं. इस जुमले में बजिंग का वर्ड onomatopoeia है क्योंकि इसको देखते ही हमारे जहन में मक्खियों का कॉन्सेप्ट आ जाता है. बजिंग जो है वो मक्खियों को ही रिप्रजेंट करता है. डिंग डोंग, देयर वॉज समवन एट द डोर. डिंग डोंग बेल की आवाज़ है. इसको सुनते ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये किसी घंटी के लिए बात की गई है. तो इस जुमले में डिंग डोंग onomatopoeia है. आउच, यू जस्ट स्टेप्ड ऑन माई टो. तुम मेरे पाँव के ऊपर चढ़ गए हो. आउच यहाँ पर onomatopoeia है. द कैट मियाउड फॉर सम मिल्क. इसमें म्याऊ जो है म्याऊ का साउंड onomatopoeia कहलाएगा क्योंकि म्याऊ का वर्ड सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि ये किसी बिल्ली का जिक्र किया गया है. अली स्वेलोड द कुकी विद अ लाउड गल्प. गल्प कहते हैं निगलने की जो आवाज़ होती है जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो निगलने का जो साउंड होता है वो गल्प होता है. तो गल्प इस जुमले के अंदर onomatopoeia का एग्जाम्पल है. वैसे तो onomatopoeia के बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं लेकिन यहाँ कुछ फेमस वर्ड्स जो हैं जो onomatopoeia के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका जिक्र मैंने किया है. इनको पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि onomatopoeia क्या है. यानी किसी वर्ड के लिए किसी ऐसे साउंड का इस्तेमाल करना जिसको सोचने के बाद हमें फ़ौरन वो चीज़ जहन में आ जाती है कि इससे क्या मुराद है. जैसे म्याऊ जो है वो कैट की आवाज़ है. फिर बजिंग जो है उससे हमारे जहन में बीज आ जाती हैं कि मक्खियों के लिए. टिक टिक जो है उससे हमें घड़ी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको onomatopoeia का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. और इंग्लिश के मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं. ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन.